क्या आपको पता है कि हरिजन शब्द कहाँ से आया है? किसने इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया? किसने इस शब्द को समाज के पिछड़े तबके से जोड़ा? इस स्टोरी में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हरिजन जाति के इतिहास को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के मत है, और इस विषय पर आए दिन सोशल मीडिया या समाचार चैनल पर चर्चाएं चलती रहती हैं। उन्हीं चर्चाओं में से कई लोग मानते हैं कि प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में एक परंपरा थी, शादी विवाह के उपरांत पति पत्नी मंदिर में जाकर वहां संतानोत्पत्ति की कामना करते थे। समय संयोग से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, परंतु यदि संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो वे उसे मंदिर में देवता के आगे भेंट रूप में चढ़ाकर वहां के पंडे पुजारियों को दे आते थे। मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्तियों के आगे भेंट रूप में चढ़ाई गई बालाएं जब बड़ी होती थी, वहां के पंडे पुजारी और प्रबंधक लोगों की निगाहें पड़ती थी, उनके मन गंदे होने लगते थे, तो फिर वे उन बालाओं की यौवनाओं को अपनी काम वासना का शिकार बना बैठते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी ये बालाओं की अब मंदिर के पंडे पुजारी के सामने यह समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पति किसे बताया जाए। यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताए तो ऐसा करने से कुलीनता और पापों का भंडाफोड़ होता था। इससे बचने के लिए उन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक कर देते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता हरि ही है और तुमसे जो संतानें पैदा हुई है वे देवताओं हरि द्वारा पैदा की गई है, इसलिए उनके पति हरि है। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि इन सम्भ्रात कहे जाने वाले दुराचारियों द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म करने, पाप कर्म करने से जो संतानें उत्पन्न हुई वे हरिजन नाम से पुकारी गई, इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।